समस्त साइकोलॉजी रो स्टूडेंट मानको आज फ्रेशर्स को पिला माने मु स्वागत करछि। तो जेपरी के साइकोलॉजी स्टूडेंट मानकर बहुत ही सारा डिमांड थिला जे सर आमर VST करंतु अर्थात आमर टेस्ट करंतु जो 35 मार्क रो तो आम मानकर आसीबो MCQ टाइप रो तार आमको टेस्ट दरकार। आमे माने निज को परीक्षा करबू जे आमे केते पारछु। ओके तो सब स्टूडेंट मानक अनुरोध क्रमें आम नहीं आसू VST 1 आज प्रथम डिस्कसन करवा एमती आम 10 अधिक VST तुम डिस्कसन करवा एग्जाम पूर्व जहाँफल तुम एग्जाम बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो VST एक मार्क सहित तो, आम 2 मार्किया और लंग क्वेश्चन 5 मार्किया आ मझे मझे डिस्कसन करूँ जेहेतु तुम 30 मार्क प्राक्टिकाल सरी आउ मात्र 70 मार्क तुम आसुचु। तो ये तुमको 35 कौन तो तुम मान 35 चली गला आम MCQ आउ जो 35 सारा 2 मार्किया 5 मार्किया आसो ताको आम कवर करदेव। तो साइकोलॉजी स्टूडेंट मैंने तुमने रेडी अच आज VST को स्टार्ट करने तो VST प्रथम प्रश्न देख कौन देना VST 1 नंबर क्वेश्चन कहला जे सामाजिकरण प्रक्रिया केउठारे आरंभ होता है यार सठिक उत्तर कौन हम ऑप्शन नंबर 2 आई गृह यार सठिक उत्तर हो। तापर आम देखा 2 नंबर क्वेश्चन देखा कौन कह देख ना वंशानुगतिक गुणवली बाहक अटंती कौन कौन अटंती बाहक ना यार सठिक उत्तर कौन हम जननिका। ओके ऑप्शन नंबर आई भी यार करेक्ट आंसर होपर आम 3 नंबर प्रश्न देखा देख कौन कही मानसिक चापर भाव प्रवण जनित प्रभाव डैश मानसिक चापर भाव प्रवण जनित प्रभाव अटे। 3 नंबर सठिक उत्तर कौन हम पे ना रक्तचाप यार सठिक उत्तर हो। ओके तो जो गुड़ा तुमको सब इम्पोर्टेंट लगुच तुम निश्चित रूप नोट करो ये सब आम आगु डिस्कसन कर सारी एवं आम सब प्रकार मिक्स करके VST तुमको मुझे नहीं आसी। ओके एवं पे 4 नंबर क्वेश्चन देख कौन कही मानसिक चाप जो शतकड़ा डैश भाग शरीर असुस्थ होता है तो 4 नंबर सठिक उत्तर कौन हम पे 50 रु 70 यार सठिक उत्तर हम एवं 5 नंबर क्वेश्चन देख कौन कही रक्त डैश एंटीबॉडी सृष्टि करे कौन टा रक्त कौन रे WBC व्हाइट ब्लड सेल कौन करे आम रक्त एंटीबॉडी सृष्टि करे बहुत इजी क्वेश्चन पे बुझिपार आशा कर सब बुझीपार एवं आम 6 नंबर प्रश्न देखा तो 6 नंबर प्रश्न देख कौन कही संस्कृति हस्तांतरण को डैश कह जाए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे 6 नंबर सठिक उत्तर कौन हम ना सामाजिकरण बोली कह जाए। एवं 7 नंबर प्रश्न देखा देख कौन कही मूल्यबोध नीति आदर्श एवं परंपरा प्रति डैश संस्कृति होता है कौन हम ना 7 नंबर करेक्ट आंसर कौन हम पे तो 7 नंबर सठिक उत्तर कौन डैश संस्कृति दृष्टांत। अच्छा तो 7 नंबर करेक्ट आंसर कौन हम रे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे पे यहाँ हम अभौतिक संस्कृति दृष्टांत। एवं 8 नंबर प्रश्न देखा कौन देखिए डैश संस्कृति व्यक्तिगत उपरे प्रतिष्ठित तो 8 नंबर पे सठिक उत्तर कौन हम डैश संस्कृति व्यक्तिगत उपरे पचारा पे आमेरिका हम कौन हम आमेरिका हम देख आउ गोटे क्वेश्चन अच्छे देख देश रो संस्कृति समूहवाद उपरे आधारित देख समूहवाद उपरे आधारित तो यार सठिक उत्तर कौन हम यार सठिक उत्तर हम भारत यार सठिक उत्तर हम मन रहा ठीक अच्छे। एवं आम 10 नंबर क्वेश्चन को देखा तो 10 नंबर क्वेश्चन देख कौन कही परामर्शे संपर्क स्थापन देश अवस्था अटे तो 10 नंबर सठिक उत्तर कौन हम पे द्वितीय अवस्था यार सठिक उत्तर हो। एबे 11 नंबर क्वेश्चन देखा देख कौन कही घनिष्ठ संपर्क स्थापन परामर्श सेवार डैश पर्याय अटे तो 11 नंबर सठिक उत्तर पे कौन हम ना प्रथम पर्याय अटे प्रथम आम जो जड़े परामर्शदाता जड़े परामर्श गृहीता परामर्श देवे तो प्रथम पर्यायी हो पाने से घनिष्ठ संपर्क स्थापन करेंगे जहाँफल परामर्श गृहीता तार जहाँ भी सब असुविधा अच्छी परामर्शदाता पाखे सठिक भाव में मन खुलिकी कही पार ठीक अच्छे पे आम 12 नंबर क्वेश्चन देखा तो 12 नंबर क्वेश्चन देख कौन कही परामर्श एक डैश प्रक्रिया अटे परामर्श एक डैश प्रक्रिया अटे तो 12 नंबर करेक्ट आंसर कौन हम पे साहय करवा हाँ कि ना आम परामर्श मान उपदेश देवा ना सूचना देवा ना सी जो परामर्श नाप चाहते आम परामर्श देखिए साहय करवा यार सठिक उत्तर होमें 13 नंबर क्वेश्चन देखा कौन देखी ना अन्य व्यक्तिर मनस्थित को निज मध्य अनुभव करने को डैश कह जाए मनकर अलग गोटे लोक भितर तार कौन तार कौन सिचुएसन थी ताको आम निज भाई फिल करवा कौन कह जाए
13 नंबर सठिक उत्तर कौन हम ना समानुभूति कौन हम सहानुभूति नुहे समानुभूति मन रहा कन्फ्यूज तुम्हें पड़ जाऊ समानुभूति सहानुभूति समानुभूति हम सहानुभूति नुहे ठीक अच्छे पे एवं आम 14 नंबर क्वेश्चन देखा तो ठीक अच्छे 14 नंबर क्वेश्चन देखा देख कौन देख कौन दे 14 नंबर क्वेश्चन टी ना हाँ एक विकृति सृष्टि जो कारणटी पर्याप्त ताको डैश कारण भी कह जाए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ने पिला माने ठीक मन रखिब प्रश्नटी आउ थोर शुनि रख ना एक विकृति सृष्टि जो कारणटी पर्याप्त ताको डैश कारण भी कह जाउछ जो कारणटी अच्छा ताको डैश कारण भी कह तो 14 नंबर सठिक उत्तर कौन हम प्राथमिक कारण एवं आम 15 नंबर क्वेश्चन देखा कौन दे एक विकृति निम्ते आनुवंशिक पूर्वानुकूलता को डैश कहा जाए 15 नंबर क्वेश्चन टी आउ थे एक विकृति निम्ते एक विकृति निम्ते आनुवंशिक पूर्वानुकूलता को डैश कहा जाए 15 नंबर सठिक उत्तर पे कौन हम ना हाँ वंशगत प्रवणता कह जाए कौन कह जाए पे वंशगत प्रवणता यार सठिक उत्तर हो एबे आमे 16 नंबर प्रश्न देखा कौन कही देख बंद करने ताला को बहुबार जांच करवा डेस्र लक्षण किसी लक्ष्य मैंने किसी लोक थे मनकर से किसी गोटे बाहर को गोटे कम गोटे जाकर सीट कौन कले ताला से घर ताला से पकेले तो से ताला पकई सारापर पुणी आउ थे बारंबार रिटर्न कर देखते जो ताला ठीक से पड़ी कि ना तो आमको ये प्रश्न 16 नंबर कही देते बंद करने ताला को बहुबार जांच करवा डेस्र लक्षण 16 नंबर सठिक उत्तर कौन हम दुर्भीति मनोविकृति ओके दुर्भीति मनोविकृति यार सठिक उत्तर होबे आम 17 नंबर प्रश्न देखा कौन सी वस्तु बा परिस्थिति प्रति अजौतिक अविरत भय को डेस् कह जाए 17 नंबर सठिक उत्तर पे मैंने कौन हम आतंक बोली कहुए कौन कह जाए आतंक यार सठिक उत्तर हो ओके तो जो गुड़ा तुमको इम्पोर्टेंट लगे निश्चित रूप नोट करो बहुत ही हेल्पफुल हम ताप देख स्वाभाविक और अस्वाभाविक व्यवहार मध्य पार्थक्य डेस अटे पार्थक्यटा कौन रे कौन अच्छे मात्रागत यार सठिक उत्तर हेबो एवं आम देखा 19 नंबर प्रश्न देख कौन कही जो फलांक एक संख्यामाला को ठीक दुई भाग में विभक्त करे ता डेस रूपे परिचित प्रश्नटी आउ थे जो फलांक एक संख्या को ठीक दुई भाग में विभक्त करे ता डैश रूपे परिचित 19 नंबर सठिक उत्तर कौन हम पे मैंने ना मध्यमा कौन हम मध्यमा यार सठिक उत्तर हे ताप देख 20 नंबर प्रश्न देख कौन कहला एक संख्यामाला रे बारंबार घटुवा फलांक को डैश कहुए 20 नंबर सठिक उत्तर कौन हम ना रीति कहुए एवं आम 21 नंबर प्रश्न देखा 21 नंबर प्रश्न देख कौन कही एक संख्यामाला रे डैश्र सर्वोत्कृष्ट केन्द्रीय प्रवणतार परिमापक अटे प्रश्नटी आउ थोर शुणी रख एक संख्यामाला रो डैश सर्वोत्कृष्ट केन्द्रीय प्रवणतार परिमापक अटे तो 21 नंबर पिला माने सठिक उत्तर टी कौन हम ना मध्यक यार सठिक उत्तर हम ओके एबे आमे 22 नंबर प्रश्न देखा कौन कही एक संख्यामाला रो डैश निर्णय करिबा अत्यंत सहज 22 नंबर सठिक उत्तर कौन हो रीति निर्णय करवा ओके तो यह सब विषय पे आम लंग क्वेश्चन भी डिस्कसन करवा यार तुम्हारे परिसंख्यान सब्जेक्ट रू आ एबे तब देख 23 नंबर क्वेश्चन देख कौन कहला जन्म हेबार केते दिन पर्यंत नवजात अवस्था रुहे 23 नंबर सठिक उत्तर टी पे बहुत इजी क्वेश्चन आम या बहुत बेसिक लेवल आपको जाचु जार सठिक उत्तर हम 10 रु 14 दिन एवं आम 24 नंबर प्रश्न देखा शैशवावस्था केते वर्ष पर्यंत लगि रोए तो यार सठिक उत्तर कौन हम हाँ कौन हम 3 वर्ष पर्यंत आमको आमर शैशवावस्था लगि रोए एवं आम 25 नंबर क्वेश्चन देखा कौन कह देख ना वृद्धि और विकास सर्वापेक्षा महत्वपूर्ण आवश्यकता होउछि डैश 25 नंबर प्रश्न आउ थोर शुणी रख वृद्धि और विकास सर्वापेक्षा महत्वपूर्ण आवश्यकता होउछि डैश तो 25 नंबर सठिक उत्तर कौन बोला मैं खाद्य कौन हम खाद्य आमको वृद्धि बहुत वृद्धि एवं विकास निश्चित रूप महत्वपूर्ण आवश्यकता पे आम जब कह तो खाद्य यार सठिक उत्तर हेबो एवं आम 26 नंबर क्वेश्चन देखा कौन कही देख ना विकास अधिकांश लक्षण डैश कौन कहला 26 नंबर क्वेश्चन देख कौन कहला विकास अधिकांश लक्षण डैश तो 26 नंबर सठिक उत्तर पे कौन हम ना सह संबंधित ओके एवं आम 27 नंबर क्वेश्चन देखा देख कौन देखो
किए परिवेश मनोविज्ञानी हिसाब से परिचित किए रे पिला मैंने आल्पोर्ट हेनी आल्पोर्ट को आम मनोविज्ञानी रूप जाच कि मैंने से परिवेश मनोविज्ञानी यार सठिक उत्तर पे मैंने कौन हम वाटसन कौन हम वाटसन को आम परिवेश मनोविज्ञानी हिसाब से जाणी था सी परिचित ओके ठीक अच्छे पे एवं आम 28 नंबर प्रश्न देखा कौन कही देख एक प्रदूषण मुक्त परिवेश देश प्रदान करे एटा मध्य इम्पोर्टेंट अच्छे तुम्हें तो कौन हम देख ना गोटे गोटे प्रदूषण मुक्त प्रदूषण आमको कार्य कर सतोष प्रदान करे कर्म उन्नति संपादन करे ओके उच्च मन उच्च मनोबल आमको दिए तो एणु 28 नंबर सठिक उत्तर कौन हम यस 28 नंबर सठिक उत्तर हम ऑप्शन नंबर घ अर्थात ए समस्त यार करेक्ट आंसर हो एबे आम 29 नंबर क्वेश्चन देखा कौन कही देख परिवेश प्रदूषण कहले कहार प्रदूषण को बुझाए क्वेश्चन टी शुणी रख पे मैंने आमको जो परिवेश कह देख परिवेश कौन जाऊँ वायु जाऊँ जल जाऊँ शब्द जाऊँ तो ए समस्त नुहे कि ए समस्त बहुत ही इजी क्वेश्चन रूप कौन हम ए समस्त करेक्ट आंसर हो ठीक अच्छे आम एवं 30 नंबर प्रश्न देखा देख कौन कही मनुष्यर आचरण और क्रियाकलाप क्या द्वारा प्रभावित हुए 30 नंबर क्वेश्चन आउ थे पे मनुष्यर आचरण और क्रियाकलाप क्या द्वारा प्रभावित हुए तो 30 नंबर सठिक उत्तर पे देख कौन हम निश्वास नेायु ये भी हम खाद्य खाऊ खाद्य ये भी हम बासस्थान ये भी हम तो करेक्ट आंसर कौन हम ए समस्त ओके ए समस्त यार सठिक उत्तर हम एवं आम 31 नंबर क्वेश्चन देखा देख कौन कही मनुष्य और तार परिवेश संपर्क डे छोटे कौन अच्छी मनुष्य और परिवेश संपर्क कौन किसी ना यार करेक्ट आंसर हो एक पाखिक द्विपाक्षिक हेनी तेनाली किसी ना करेक्ट आंसर हम ओके एवं आम 32 नंबर क्वेश्चन देखा कौन कही देख उद्वेगर साधारण लक्षण है डैश पे उद्वेगर साधारण लक्षण कौन आमको पचार तो 32 नंबर कौन हम ना अबास्तव और अत्याधिक चिंता यार सठिक उत्तर हम ठीक अच्छे पे आम 33 नंबर क्वेश्चन देखा कौन कही उद्दीपक प्रति अहेतुक भय कारण कौन उद्दीपक प्रति जो अहेतुक मान बिना कारण जो बिना कारण जो रोचे से जो डरुच भय करुच्चार कारणटी कौन जेहेतु तार बयस कम तो सठिक उत्तर कौन ना कम बयस हेतु यार सठिक उत्तर होके पे आम 34 नंबर क्वेश्चन देख कौन कही ओसीड हाँ 34 नंबर देख कौन दे ओसीडी क्यों प्रकार मानसिक अव्यवस्था अटे कौन हम ओसीडी क्यों प्रकार मानसिक अव्यवस्था 34 नंबर सठिक उत्तर कौन हम कौन हम मिंजास जनित कौन हम मिंजास जनित यार सठिक उत्तर हम हाँ कि नहीं रे मिंजास जनित यार सठिक उत्तर हम एवं आम 35 नंबर क्वेश्चन देखा अर्थात आज आम जो भि एस टी आलोचना कलु से भि एस टी वन 35 नंबर शेष क्वेश्चन टी देख कौन कही मिंजस अवस्था क्यों मानसिक प्रक्रिया जनित अवस्था 35 नंबर सठिक उत्तर कौन हम ना यार सठिक उत्तर हम आवेग ओके कौन हम आवेग तो पाने आम भि एस टी वन को कम्प्लीट करदेलु रे भि एस टी वन को आम कम्प्लीट करदेलु तापर आम दुई मार्किया क्वेश्चन को डिस्कशन खूब शीघ्र तुम मैं एग्जाम जेहतु पाखे आसू सबूत अल् नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखी था सब्सक्राइब करके कहीं जिते बड़े आम क्लास टी अपलोड करूँ सर्वप्रथम तुम मैं इनफर्मेसन तुम मैं पाखे जाए पहुँच पार और आहरी अधिक इनफर्मेसन पायापी भिडियो डिस्क्रिप्सन में दिखाई ह्वाट्सअप ग्रुप जॉइन कर तुम्हें जब अधिक जानापाई था तो मत तुम मैंने डायरेक्ट मेसेज करके।